नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। यूपी के फतेहपुर जिले में आए सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि समाजवादी पार्टी की जनता में छवि अच्छी हो रही है, इसलिए बीजेपी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को साजिश के तहत उत्पीड़न कर रही है। लोकतंत्र में सबको बोलने का अधिकार है। विपक्ष में बैठी सरकार की गलतियों को बताने का हमारा अधिकार है। बीजेपी द्वारा सपा गुंडों का साथ देने के सवाल पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठों की सरकार है, जनता जान गई है। डबल गेम को लगातार महंगाई बढ़ाते जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उन्हें जनता सबक सिखाएगी। सपा सड़क से लेकर सदन तक लड़ रही है, इससे बीजेपी घबराई हुई है, इसलिए साजिश चल रही है। प्रयागराज में माफिया अति के अंत पर कहा कि पुलिस बदमाश को मारे, बदमाश पुलिस को मारे। कानून व्यवस्था के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने अराजकता की है, इसे साफ साबित होता है कि यूपी के जंगल राज है। उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी के पास अच्छे प्रत्याशी होते तो झगड़ा ना होता। इसी झगड़े की वजह से बीजेपी असमंजस में कोई निर्णय नहीं ले पाती है। 2024 को लेकर सपा बूथ स्तर से विधानसभा स्तर तक कार्यकर्ताओं को मजबूत करेंगे और 2024 में सबसे ज्यादा सीट सपा लाएगी। यूपी के फतेहपुरा से केकेआर न्यूज के लिए सत्येंद्र यादव की रिपोर्ट। लगातार समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता का आशीर्वाद बढ़ता जा रहा है और जनता समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यों से, उनकी नीतियों से पूरी तरीके से सहमत है और समाजवादी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी साजिश करके समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न कर रहे। उत्पीड़न किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और अपनी बात को मजबूती से कहने का अधिकार है। अगर हम विपक्ष में हैं, सरकार की गलतियों को, सरकार की कमियों को बताएंगे, यही हमारा अधिकार है, यही हमारे विपक्ष का नैतिक कर्तव्य है। पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कहीं ना कहीं पे आप लोग गुंडों का साथ दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी, झूठों की, एकदम झूठ बोलने वालों की पार्टी है और झूठ की कांटी बार बार नहीं चढ़ती है। जनता जान गई है इनके डबल गेम को, जान गई है कि महंगाई लगातार बढ़ाते जा रहे हो, लगातार बेरोजगारी बढ़ाते जा रहे हो, लगातार भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, लगातार किसानों की फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा है, कुटीर उद्योग बंद होते जा रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था एकदम ध्वस्त है, शिक्षा महंगी हो गई है। इन सवालों को लेकर समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक काम कर रही है, जिससे बीजेपी घबराई हुई है और बीजेपी इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र करती, लेकिन इस बार कोई षड्यंत्र चलेगा नहीं। अतीक को लेकर साबित होता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है, इसी से साबित होता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था क्या है कि पुलिस बदमाश को मारे, बदमाश पुलिस को मारे। और कानून व्यवस्था के नाम पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अराजकता की है, उससे साफ साबित होता है कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। जंगल राज की वजह से उत्तर प्रदेश के हालात खराब है। पर कहीं ना कहीं पे योगी तो कह रहे हैं कि जो भी सबसे ज्यादा अराजकता फैलाने वाले समाजवादी पार्टी के लोग, जनता निपटेगी, जनता के साथ हैं हम, जनता की बात उठाते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं और संविधान ने समय समय पर अन्याय करने वालों को हटाया है। इस देश में 200 साल जिन अंग्रेजों का राज था, उसको समाजवादी विचारधारा के लोगों ने हटाया था, अंग्रेजों को, कांग्रेस को भी समाजवादियों ने हटाया था और अब इस व्यवस्था को भी समाजवादी विचारधारा कई लोग जनता के माध्यम से हटा देंगे। नगर पालिका और नगर निकाय के चुनाव को लेकर के किस तरीके से आप देख रहे हैं? कहीं ना कहीं भी बीजेपी का ये मानना है कि आपके पास प्रत्याशी नहीं है। उनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है, वो किसी प्रत्याशी को पकड़ लेते हैं, किसी को मुकदमा कर देते हैं। अगर उनके पास अच्छे प्रत्याशी होते तो भाजपा में झगड़ा ना होता। रोज भारतीय जनता पार्टी में झगड़ा है और उसी झगड़े की वजह से भारतीय जनता पार्टी असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं ले पाती है कि समाजवादी पार्टी आगे निकल गई। 24 को कैसे देख रहे हैं? 2024 में इसी नगर निकाय चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी चुनाव को भी अपने ध्यान में रखे है। हम नीचे बूथ स्तर से लेकर विधानसभा लोक स्तर तक अपने संगठन को और मजबूत करेंगे और 2024 में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी की जीत कराएंगे। अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे केकेआर न्यूज के साथ। नमस्कार।